बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरने के बाद फरमाया ये कौन था तुम में जो मुझसे नमाज में झगड़ा कर रहा था। अब सब साहबा हैरान, खैरियत क्या हुआ? कहा कि मैं जब कुरान करीम की तिलावत कर रहा था तो ये कौन आदमी था जिसकी वजह से मुझे बार बार जो है वो खलजान हो रहा था नमाज के अंदर, वो यकसुई मेरी टूट रही थी। तुम में कौन ऐसा है कि जिसका वुजू सही नहीं था, जो वुजू करके आया लेकिन सही वुजू नहीं किया? गोया कि वुजू की जाहिरी सूरत उसकी सही नहीं थी, भले उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी कि मैं तहारत के लिए वुजू कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं उसकी एड़ी खुश्क रह गई हो, पता नहीं कोहनी थोड़ी सी खुश्क रह गई हो। तो उसका वुजू जाहिरी सूरत उसकी मुकम्मल नहीं थी, बातनी सलाइर भरे हो, लेकिन नबी कह रहे हैं कि इसका वुजू अल्लाह के यहां चुके मुकम्मल नहीं था, और जब वुजू मुकम्मल नहीं तो नमाज कैसी होगी? तो गोया कि बगैर वुजू के नमाज में खड़ा है, और बगैर वुजू के जब नमाज में खड़ा है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमात कि जहां मलाइका का नुज़ूल, खुदा की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, उसमें खलजान हो रहा है, क्योंकि नबी का दिल का आईना तो, दिल का जो है शीशा तो इतना शफाफ था कि मामूली चीज़ उसमें ज़ाहिर हो जाती थी। आज हमारे कसीफ आईने हैं, हम अगर खड़े पीछे कोई गुसल जनाबत वाला भी खड़ा हो तो हमें खबर नहीं होती, लेकिन नबी का आईना तो इतना शफाफ है, एक बेवजू मामूली सा जिसके अंदर नक्श रह गया उसकी छाप भी महसूस हो गई, और कहा कि मुझे नमाज में लुत्फ नहीं आया, कौन है ये? पता चले एक शख्स जिसका वजू सही नहीं था। तो देखो वजू जाहिरी सूरत उसकी जब तक मुकम्मल ना हो, बातनी उसकी सलाहियत कामिल ना हो, तो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक वो वजू कबूल नहीं, और जब वजू नहीं है तो नमाज कैसे हो सकती है? क्योंकि वजू के बारे में फरमाया कि अल वजू मिफ्ताहुस सलात, वुजू नमाज की कुंजी है, नमाज की कुंजी है। तो वुजू जब नमाज की कुंजी है तो ताला कौन हुआ? नमाज हुई। और आपको पता है ताला उस वक्त खुलता है कि जब कुंजी सही हो, उसके दंदाने सही बने हुए हो, और फिर आप खोलेंगे तो खुलेगी, वरना बजाय सारी कुंजियां एक जैसे लगती हैं, यार ये सेम कुंजी है लगाओ, लगाई खुला ताला नहीं खुला, यार एक जैसी है चली भी गई पूरी घूम भी रही है, यार ताला क्यों नहीं खुल रहा? देखो बनाने वाले ने ऐसी बारीकी से बनाई है कि मामूली सा भी दंदाने का फर्क उसके अंदर डाल दिया तो दूसरा ताला कोई नहीं खोलेगा। तो इसके दंदाने जब तक मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक ताला नहीं खुलता। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये वुजू जो नमाज की कुंजी है, ये कुंजी पूरी कामिल और मुकम्मल नहीं होगी, उस वक्त तक नमाज आपकी नहीं खुल सकती, मतलब नमाज आपकी कबूल नहीं है। इसलिए फरमा वुजू मिफ्ताहुस सलात, नमाज की कुंजी।